नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, जिसकी हाइट 182 मीटर से दोस्तों, और इसके बनाने में जो खर्चा हुआ था 2989 करोड़ रुपये हुआ था दोस्तों, और इसकी इनॉग्रेशन हुई थी 31 अक्टूबर 2018 को बाय पीएम मोदी। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे, किस समय खुलता है, टाइमिंग क्या है उसके, टिकट प्राइस क्या है, टिकट कितने प्रकार की है वहाँ पर, कैसे पहुँचे वहाँ पर, हाउ टू रीच दोस्तों, नियर बाय प्लेसेस कौन कौन से हैं जिनको आप घूम सकते हैं, और टिप्स जो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आप ना लेके जाएं, लेके जाएं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी टाइमिंग के बारे में। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका 9 बजे खुल जाता है, 9 से 5 बजे का टाइम है, सुबह 9 AM to 5 PM इन द इवनिंग। मंडे को ये बंद रहता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आप घूम सकते हैं जाके। अगर आप बेस्ट टाइम की बात करें तो सुबह का टाइम बिल्कुल बेहतरीन टाइम है कि आप जाके स्टैचू ऑफ यूनिटी देख पाएं, बिकॉज उस समय आपकी धूप धाप कम मिलेगी, टेम्परेचर आपका नॉर्मल होगा और आप आसानी से सारा का सारा एरिया जो इंजॉय कर पाएंगे दोस्तों। और शाम के समय अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश करें 3 बजे तक आप पहुंच जाए, बिकॉज लाइनें लगी होती हैं वहाँ पर, और मेनली सैटरडे संडे काफ़ी बड़ी बड़ी लाइनिंग होती है, तो अगर आप 3 बजे पहुंच रहे हैं तो आपको एंट्री टिकट ही 1 घंटे के बाद मिलेगी दोस्तों। तो एंट्री टिकट के बारे में मैं बता दूँ, आप ऑनलाइन इसकी एंट्री टिकट भी ले सकते हैं, वो बेहतरीन आइडिया है कि आप पहले से अपनी ऑनलाइन टिकट आप बुक कर लीजिए एंट्री टिकट, उसके बाद आप जाइए विजिट करने दोस्तों। तो टाइमिंग है इसका 9 AM to 5 PM। दोस्तों अब हम बात करेंगे टिकट प्राइस के बारे में। अब जो स्टैचू यूनिटी टिकट प्राइस 2 स्लैब में है, एक स्लैब है आपका नॉर्मल व्यू, एक स्लैब है आपका ऑब्जर्वेशन डेस्क व्यू। तो दोस्तों पहले वाली जो है नॉर्मल व्यू के अंदर, जो नॉर्मल टिकट है आपकी, तो उसके अंदर आपका जो प्राइस है वो 120 रुपये आपका एडल्ट्स के लिए, और 30 रुपये बस चार्जेस लगेंगे। जो आपको बस अंदर तक लेके आती है वो पूरा चार्जेस मिला के 150 रुपये आपको देने पड़ेंगे, एक एडल्ट के चार्जेस हैं दोस्तों, ये आपकी नॉर्मल टिकट के चार्जेस हैं। और चाइल्ड बच्चों की एज जिनकी 3 से 15 के बीच में हैं उनके लिए जो चार्जेस हैं 60 रुपये हैं, और 30 रुपये बस के चार्जेस हैं। तो टोटल मिला के आपको बच्चों की टिकट मिलेगी नॉर्मल टिकट एंट्री के अंदर 90 रुपये की, और एडल्ट की पड़ेगी आपकी 150 रुपये की दोस्तों। और जिन बच्चों की उम्र 3 साल से नीचे उनके लिए कोई टिकट के चार्जेस नहीं है। अब हम बात करें ऑब्जर्वेशन डेस्क डेक व्यू के बारे में, तो उस जो टिकट का प्राइस है वो काफ़ी थोड़ा महंगा है। तो उसके अंदर एडल्ट का जो आपका प्राइस है वो 350 रुपये है, प्लस 30 रुपये बस चार्जेस। बच्चों के लिए 3 से 15 की उम्र के 200 रुपये आपका जो आपके प्राइस है, प्लस 30 रुपये आपके बस चार्ज हैं दोस्तों। तो टोटल मिला के आपको एक एडल्ट को 330 रुपये देने पड़ेंगे ऑब्जर्वेशन डेक व्यू के, और चाइल्ड के बच्चे की जो एंट्री टिकट होगी वो 230 रुपये की हो जाएगी, और 3 साल से कम बच्चों की फ्री है दोस्तों। अब नॉर्मल एंट्री टिकट के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, बिल्कुल आप पूरा पूरा स्टैचू यूनिटी नीचे से घूम पाएंगे, जो नीचे से ऊपर तक आप स्टैचू यूनिटी आराम से देख लेंगे, आपको मजा आएगा। और उसके साथ में आप जो देख पाएंगे वो है वैली ऑफ फ्लावर, जहाँ पर 100 तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर हैं। मेमोरियल हॉल देख पाएंगे, म्यूजियम देख पाएंगे, ऑडियो विजुअल गैलरी देख पाएंगे दोस्तों, और स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड सरदार सरोवर डैम को आप देख पाएंगे। अब आपके आते हैं ऑब्जर्वेशन डेक व्यू के बारे में। तो दोस्तों नीचे से ना ऊपर तक आप लिफ्ट में जाते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में, बीच में आप जाके आप वहाँ से गैलरी है उस पूरी को, गैलरी से वहाँ से आप बिल्कुल बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। तो आप सोचिए कम से कम 120-130 फीट की आप हाइट पे होंगे, मीटर की हाइट पे, और वहाँ से आप देखेंगे पूरा नज़ारा, साबरमती रिवर जो है आपकी, उस पर पूरा पूरा जो डैम बना हुआ है वो भी आप देख पाएंगे वहाँ से। वहाँ से जो नज़ारा होता है बिल्कुल देखने लायक होता है, आपको मज़ा आ जाएगा एकदम। अब हम बात करें हाउ टू रीच, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है 3.5 किलोमीटर दूरी पे स्थित है केवाड़िया जो टाउन है उससे। केवाड़िया टाउन आपका गुजरात के अंदर है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी पूरा गुजरात के अंदर बना हुआ दोस्तों। तो 3.5 किलोमीटर दूरी पे है केवाड़िया टाउन से दोस्तों। 25 किलोमीटर की इसकी दूरी है राजपिपला से। 90 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है ये वडोदरा से। 150 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है आपका सूरत से, और 200 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है आपका अहमदाबाद से दोस्तों। दोस्तों जो नियरेस्ट बस स्टॉप है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी का इस केवाड़िया ही है, वहाँ से आपको लोकल ऑटो मिल जाएंगे जो आपको आगे तक छोड़ देंगे। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो आपका वडोदरा है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट भी आपको वडोदरा है। तो अगर आप बाकी एरिया से जा रहे हैं पैन इंडिया से, तो आपको वडोदरा उतरिए, वहाँ से आप अपनी टैक्सी कर लीजिए, टैक्सी आपका बेस्ट है। टैक्सी के आप करके आपका टैक्सी 2000 रुपये लेगा आने जाने का मिला के, आपको आसानी से वहाँ पर ले जाएगा। 90 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वहाँ पर आप घूमिए, 3-4 घंटे का टाइम लगेगा आपको पूरा घूमने के लिए। उसके बाद आप वापस अपनी टैक्सी में बैठिए और अपने जगह पे पहुँच जाइए जो आपका एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है। तो बेस्ट मीडियम आपका यही है कि आप वडोदरा उतरिए,
वहाँ से अपनी टैक्सी कर लीजिए, या अहमदाबाद उतरिए, अहमदाबाद से अपनी टैक्सी कर लीजिए, तो वो आपको टैक्सी के थ्रू आपको काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा वहाँ तक पहुँचना दोस्तों। अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी घूम ही रहे हैं तो उसके आसपास के एरिया भी मैं आपको बता दूँ जहाँ पर आप घूम सकते हैं दोस्तों। दोस्तों 17 किलोमीटर की दूरी पर आपका वैली ऑफ फ्लावर है, जहाँ पर काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ आपको फ्लावर मिलेंगे, आप घूम सकते हैं बिल्कुल वहाँ पर जाके। आप स्टैचू ऑफ यूनिटी से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों, 3.5 किलोमीटर की दूरी पे आपका सरदार सरोवर डैम है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आप जा रहे हैं तो सरदार सरोवर डैम तो जरूर देख के आने का, बहुत बढ़िया जगह है दोस्तों। उसके बाद आपका जरवानी वाटरफॉल है जो कि 14 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो मोटा मोटा आप एक दिन का पूरा प्लान बना सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने का और आसपास के एरिया घूमने का। सुबह सबसे पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी पे जाइए, वहाँ पर आपको 2-2.5 घंटे लगेंगे, पूरा आप इन्जॉय करिए। उसके बाद आप 10-11 बजे वहाँ से निकलिए और बाकी जो है जो आपका फ्लावर वैली है आप वो भी देखिए, वैली ऑफ फ्लावर, उसके बाद जरवानी वाटरफॉल देख के अपने जो आपका होम टाउन है वहाँ पर निकल जाएगी। तो ओवरऑल आपका एक दिन का पूरा टूर बन जाएगा आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी का, जो आप घूम के आ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। अगर दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।